आप सर? नमस्कार, मेरा नाम हुआ और मैं ग्राम पवना का रहने वाला हूँ। 1974 में मैं आरा आया पढ़ने के लिए। जैन स्कूल में मेरा नामांकन हुआ। मैट्रिक करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसी समय गांव के सामंतों ने मुझे एक मुठ्ठे हत्या के केस में फंसा कर जेल भिजवा दिया। बनिया का लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और जब मैं निकल कर आया तो मेरी जो है पढ़ाई में उस तरह की रुचि नहीं रही और सामाजिक सरोकारों को हमने अपनाया और मैंने नाट्य संस्था युवा नीति के साथ जुड़ा, जिसमें श्रीकांत भैया, नरेंद्र भैया सारे लोग थे। बाद के दौर में पार्टी ने मुझे भोजपुर होता जिला का सचिव बनाया IPF का, और मैं वहाँ के जिले के विकास के सवाल पर, गरीबों की मुक्ति की लड़ाई, सामंती जकड़न में जो गरीबों की जिंदगी थी, उन्हें खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था सामंतों के सामने, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की बहू बेटियाँ जो हैं सामंतों के गलत निगाहों की शिकार होती थी, तो इसके खिलाफ में हमने थाना की लड़ना है हम लोग को, क्योंकि मैं भी उनके सामंती अत्याचार का शिकार हुआ था। और लड़ता रहा मैं, कई बार जेल गया मैं, कम से कम 5.5 साल जेल में रहा। कई मर्डर केस हमारे ऊपर लादे गए, कुंवारी ज्वाला सिंह, बिहटा ज्वाला सिंह, रणवीर की सेना की लड़ाई चली गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए, तो उसमें नाढ़ी में जो मैंने गरीब जनता की ओर से प्रतिकार किया गया उस केस में बेलाउर में कई, लेकिन सभी केसों से मुझे बरी कर दिया गया, इसलिए कि मुझे झूठा फंसाया गया था। और लगातार मैं लड़ रहा हूँ, अभी भाकपा माले बिहार स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ और अभी तरारी विधानसभा क्षेत्र से 272 वोट से जीत हुई है। सुनील पांडे की पत्नी गीता देवी से हमारी बढ़त हुई, जीत हुई। लटकाया गया, मैंने प्रयास किया गया कि हरा दिया जाए रिकाउंटिंग के नाम पर। सर, तो आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं? ये रियल जीत है, गरीबों की रियल जीत है। करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्चा किया, ठीक ना? जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे अखिलेश सिंह, वो बड़े सावंत थे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सुनील पांडे 3-3 बार विधायक रहे, माफिया है। तो उनके खिलाफ में जो गरीबों का गुस्सा था, राम नरेश राम चुकी 3-3 बार विधायक थे सहार से, नए परिसीमन में सहार विधानसभा क्षेत्र को रिजर्व से हटाकर सामान्य कर दिया गया और इसका 7 पंचायत मजबूत पंचायत जो है अज्ञाओं विधानसभा में जोड़ दिया गया, और पीरों का 7 पंचायत पीरों शहर जहाँ हमारी कमज़ोर स्थिति है उसको डाल दिया गया तरारी विधानसभा में, तो इसी वजह से हमारी हार हुई थी पिछले दिन। लेकिन इस बार इस इलाके में भी हमने प्रयास किया कि मैंने गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, जमीन का सवाल, शौचालय का सवाल, मजदूरी का सवाल, शहर के सफाई और विकास का सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा का सवाल हम लोगों ने उठाया। हम लोगों ने कुमुरी बलात्कार कांड के खिलाफ में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी वहाँ, जहाँ 6 महादलित बच्चियों के साथ सामंती गुंडों ने मैंने बलात्कार किया था, FIR नहीं हो रहा था। हम लोग वहाँ गए, FIR करवाया और उन बलात्कारियों को गिरफ्तार करके जेल में डलवाया, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई और लड़कियों को, एक एक लड़की को 90-90 हज़ार मुआवजा और एक लड़की को 1,80,000 मुआवजा मिला। शहर में खुद मैंने तत्कालीन विधायक सुनील पांडे थाने में बैठ कर के आने कहा जाए कि मैंने गरीबों पर अत्याचार उन्होंने करवाया, वहाँ मुसलमानों के 35 घूमतियों को, दुकानों को लूट कर आके हवाला करवा दिया। तो ये सब गुस्सा था, किसानों का विकास अवरुद्ध था, मजदूरों का विकास अवरुद्ध था। हमने नहर के सफाई के लिए, नहर के पक्कीकरण के लिए आंदोलन चलाया, नहर के निचले छोर तक पानी पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाया, और पिछले दिनों धान जब करीब नहीं खरीदा जा रहा था किसानों का, हमने कहा कि भाई पंजाब में जिस तरह से बिना कागज पत्र के किसानों का धान खरीदा जाता है सरकारी रेट पर, आप उसकी खरीद करवाइए, और हमने इसके लिए धान खरीदो आंदोलन चलाया। करीब 40,000 क्विंटल धान प्रदर्शन के जरिए बेचा गया, जिसमें 28,000 क्विंटल धान पटेदार किसानों का बिना किसी कागज पत्र के बेचा गया 1660 के हिसाब से। जब किसानों का धान का पैसा नहीं मिल रहा था, बकाया पैसा था,
तो हमने 6 जून से 13 जून तक सोनारों में पानी की मांग पर और किसानों का बकाया पैसा देने की मांग पर अनशन किया। 9 जून को नहरों में पानी आया और 13 जून को बिहार सरकार को घोषणा करना पड़ा कि हम सहकारिता बैंक के माध्यम से किसानों को धान के बकाया राशि के भुगतान के लिए 370 करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो अनशन खत्म हुआ। मैं समझता हूँ कि इस जीत में किसानों के अंदर का जो गुस्सा था, मजदूरों के अंदर का जो गुस्सा था, छात्र युवाओं महिलाओं का जो गुस्सा था, इसका मैंने कहा जाए कि परिलक्षण हुआ इस चुनाव में। और ये आपको छोटी जीत लग सकती है कि 272 वोट से ही जीत हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह भारी जीत है गरीब गुरुओं की। मैंने जहाँ करोड़ों का मैंने खर्चा था, करोड़ों का पैसा था, फेंका जा रहा था, पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा था, वहाँ गरीबों से मैंने 10 रुपये 20 रुपये चंदा करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और तो आपने कितना खर्च किया होगा, कुछ अंदाजा है? मुझे लगता है कि 5 लाख सब खर्च हुआ होगा टोटल, मैंने टोटल खर्च। अब जो गरीब लोग आ रहे हैं, रैली हो रही, 3-3 हम लोगों ने रैली किया, 6 जून को नामांकन हुआ, 6 अक्टूबर को भारी भीड़ जुटी, करीब मैंने 150-200 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर मैंने ट्रैक्टर पर बुलाया, तो ट्रैक्टर का भाड़ा अब गाँव के मैंने लोगों ने ही दिया, अपना खाना खा कर आया। तब गांव के लोगों से सहयोग से जो आपने चुनाव लड़ा, उन्हीं लोगों ने चुनाव लड़ा, गांव के गरीबों ने लड़ा, और गरीब जीत सकता है इस चुनाव में साबित किया। आज के दौर में किसी कार्यकर्ता का जिसके पास पैसा नहीं हो उसको तो टिकट मिलना मुश्किल है। देखा आपने सभी पार्टियों में आरोप लगा, लोजपा से लेकर राजद, राजद से लेकर भाजपा, ये टिकट बेचा जा रहा है 2 करोड़ 1 करोड़ रुपये लेकर के। लेकिन तो इससे पहले भी आप जो है वो चुनाव लड़े, या पहला चुनाव लड़े 1989 में 90 में आरा से, और विधायक जेल में थे, और चुनाव के पहले ठीक एमएलए के लिए, हाँ चुनाव के 3 दिन पहले सर, किस विधानसभा से? आरा विधानसभा, ठीक मैंने चुनाव के 3 दिन पहले जो सिटिंग एमएलए थे डॉक्टर ईसा, जो कैबिनेट मंत्री थे जगन्नाथ मिश्र के सरकार में उस समय कांग्रेस में, वो चुनाव के 3 दिन पहले वशिष्ठ नारायण सिंह जो अभी जदयू के अध्यक्ष हैं उनके पक्ष में बैठ गए, और मैं उस समय 4000 वोट से चुनाव हार गया। हार गया, खड़ा रहते तो हम लोग 10-12 हज़ार वोट से जीतते। 1995 के चुनाव में 3500 वोट कैंसिल करके हम लोगों का आरा से ही थे, 2000 से अब्दुल मलिक को जिताया गया। तो ये मैंने कहा जाए कि ये जो जीत है वो संघर्षों की जीत है, मेहनत करने वाले लोगों की जीत है, और हम उनके इस जीत का मैंने अभिनंदन करते हैं और क्षेत्र के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। बिहार के क्षेत्र मजदूरों, बटाईदार किसानों, धारी किसानों, छात्र युवाओं महिलाओं को, छोटे मझोले दुकानदारों को हम ये भरोसा दिलाने चाहते हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा जो है वो गांव की तरफ मुखातिब होगा, और बिहार की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, खेती को बचाने के लिए, खेती को फायदेमंद बनाने के लिए जो घाटे में आ रही है हम लोग निरंतर लड़ेंगे। सर तो विधानसभा में हम आपको किस रूप में देखेंगे इस बार? जी हाँ, संख्या में आप कम है लेकिन क्या रोल होगा सीपीआई में? विधायक 240 पर भारी है, 240 पर भारी है। हम जानते हैं कि ये विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, पैसा हो गया है। जो लोग 2 करोड़ देकर के टिकट खरीद करके चुनाव लड़े हैं वो गरीबों की कितनी लड़ाई